बॉलीवुड का सबसे आई थिंक सलमान हैज अ ग्रेट कॉमेडी सेंस और टाइमिंग आफ्टर मी आफ्टर तुषार तुषार तब ज्यादा अच्छे लगते हैं कॉमेडी करते जब इनके पास डायलॉग नहीं होते हैं जैसे कि हम दिखाएं अगर वो दबंग है तो मैं गोलमाल हूं एक बिना डायलॉग की कॉमेडी कर दो बिना डायलॉग की कॉमेडी ओ अ ए अ ए ओ ओ ओ आ ओ आ ओ इतना नेचुरल था इनका लाफ्टर कितना नेचुरल था इसे कहते हैं नौटंकीबाज इसे कहते हैं नौटंकीबाज जी क्राइटेरिया यू नो कॉमेडी का जजिंग का क्राइटेरिया बहुत आसान होता है जब आप खूब ज़्यादा ज़ोर से हंसते हैं हम जब मैं पहले दिन यहाँ पे आई थी मैं हंस रही थी और सबने कहा था कि आपकी हंसी जो है वो स्मॉल है आपको एक्स्ट्रा लार्ज करनी पड़ेगी तो जो मुझे एक्स्ट्रा लार्ज हंसी देता है यहाँ पे सेट पर आई थिंक दैट पर्सन इज़ द बेस्ट परफॉर्मर पर हमारे जो पांच की परफॉर्मर्स है जैसे कुगी हु इज़ प्लेइंग द मैजिशियन और कामिया जो मेन रोल में कास्ट हुई हैं सलोनी जो एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं आई मीन शी इज़ वेरी यंग पर उन्होंने वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं एक आत्मा की तरह एक माँ के रोल में आई हैं रश्मि इज़ देयर एंड ऑफकोर्स हमारा हीरो जो तुषार और मैं एक कंपनी चला रहे हैं और हमारी यही उम्मीद है कि हर एपिसोड में हमें एक नया हीरो मिले तो वो बहुत हमें हंसाते हैं सब हमारे की कैरेक्टर्स आज के एपिसोड में हमारे हीरोज़ आयुष्मान खुराना और कुणाल रॉय कपूर आए हैं तो ऑब्वियसली हंसी और भी ज़्यादा दुगनी हो गई है क्राइटेरिया बस जैसे आपने पूछा यही है कि जो ज़्यादा हंसाए उसको ज़्यादा तालियाँ मिलती हैं जिससे ज़्यादा तालियाँ मिलती हैं उनकी नौकरी पक्की हो जाती है हमारी थिएटर का और जिसे तालियाँ नहीं मिलती उन्हें गालियाँ भी मिलती हैं हमें वो भी छूट दी गई है कि अगर आपको किसी का काम पसंद नहीं आए तो आप माइक पर उन्हें गालियाँ दे सकते हैं क्योंकि ये नौटंकी हमारी है थिएटर कंपनी अगर वो काम ठीक से नहीं करेंगे नौटंकी ठीक से नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा